Welcome to Rizvi's e-learning channel. टॉपिक है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं: अर्लियर डेवलपमेंट, रोमन रोड, ट्रिगेस्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेस कंस्ट्रक्शन. अब हमारा आता है अर्लियर डेवलपमेंट. अर्लियर डेवलपमेंट बेसिकली हमारा जो यूज होता है, जैसे विलेजेस की रोड्स होती है, जो हमारी ब्रिक्स की रोड बनती है. किसकी? ब्रिक्स की रोड बनती है, साइड रोड बनती है, और छोटी छोटी आवागमन के लिए छोटी छोटी जो रोड बनती है हमारी, क्या होती है? अर्ली डेवलपमेंट का बेसिकली ये था कि पहले जैसे रोडें बहुत कम हुआ करती थी जहाँ पे, अब तो सीमेंटेड RCC और सब चीज़ों की रोड बनने लगी है. पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स की बनती थी, जो ब्रिक्स को हम खड़ा करके ऐसे डिजाइनेबल बनाते थे. ये ऐसे करके बनती थी रोडें, इससे एक दूसरे को जोड़ के फिर एक यहाँ आ जाती थी. देखिए, ये रोड ऐसे करके ऐसे शेप में आती थी, फिर ये ऐसे ऐसे करके पूरा. तो क्या होता था कि उसमें सुटेबल होता था आने जाने के लिए, वह जल्दी तो नहीं बनती थी, उसमें टाइम लगता था, बट मटेरियल कॉस्टिंग जो होती थी वो हमको आसानी से मिल जाती थी. ब्रिक्स की बात होती थी तो ब्रिक्स हमको मिल जाती थी, और पहले की ब्रिक्स मजबूत होती थी. अभी भी अगर मान लीजिए कहीं पे भी गांवों में, जिसको खड़ंजा बोलते हैं, अगर बनी होगी तो पता नहीं कितने सालों पहले बनी होगी, और 0% डैमेज होगा उसमें. तो क्या रहता था, वो अर्ली डेवलपमेंट. जैसे पहले के सरपंच और राजा महाराजा, या पिछले चले जाइए 50 साल पहले का, 30 साल पहले का, तो क्या बनती थी कि उसमें खड़ंजा की रोड बनती थी. जैसे कि पत्थर की कटाई होती थी, नॉर्मल पत्थर की कटाई की बन जाती थी, फिर तो उसके बाद ब्रिक्स ईंट की बना देते थे. तो ऐसे कर करके क्या करते थे, अर्ली डेवलपमेंट कर देते थे. मतलब कि लोगों को आने जाने में, पब्लिक को आने जाने में आसानी हो. रोमन रोड क्या होता है? रोमन रोड बेसिकली होता है कि इसमें बहुत सारे मटेरियल मिलाए जाते हैं. रोमन रोड में बहुत सारे मटेरियल मिला के हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो अच्छी रोड उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी रोड मानी जाती थी. जैसे इसका एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ऐसे ही एक रोड होती थी, साइड साइड से वो कर दिया जाता था, ताकि रोड का जो है विड्थ थिकनेस फैले ना. उस पर एक ऐसे होता है ना, मार्क जैसे कर दिया जाता था, ऐसे इतने में ही बननी है, ना इससे ऊपर जाए ना आगे जाए. ठीक, तो यहाँ पे होता था कर्ब स्टोन जब निकाल देते थे तो वो ना खसके ना इधर आए. उसके बाद इसमें होता था लाइम कॉन्क्रीट यूज होता था, फिर ब्रोकन स्टोन में उसमें क्या होता था, मिक्सिंग करके लाइम कॉन्क्रीट मिक्स करके उसकी जो क्या होती थी, ढलाई होती थी. लार्ज फाउंडेशन, लंबे मतलब लंबाई के हिसाब से जितना भी उसका मतलब कैपेसिटी ऑफ मटेरियल रहता था, कैपेसिटी ऑफ मैन पावर कह लें, जितना हो जाता था, तो क्या करते थे, लार्ज स्केल में हम क्या उसका फाउंडेशन बनाते थे, और बीच में हम ऐसे ऐसे करके रोड को तैयार करते थे ऐसे. तो ये क्या होता था, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोड हो जाती थी, रोमन रोड हो जाता था. हमारा है ट्रिगेस्ट कंस्ट्रक्शन हमारा तीसरा है. ये हमारा जो बेसिकली होता था RCC के लिए, जो भी जैसे कोई चीज़ें हैं फिक्सेबल होती थी रोड के लिए, ऐसे हम यहाँ से मोड़ जाना है, तो ये चीज़ों को
इवेल्युएट करके देख के, लोकेशन देख के हम क्या करते थे, इसको कंस्ट्रक्शन करते थे। ये बेसिकली हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रोड कंस्ट्रक्शन है। क्या है? हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, जिसमें आता है अर्ली डेवलपमेंट, रोमन डेवलपमेंट, टीजा गेस्ट कंस्ट्रक्शन। ये हमारे तीन बेसिकली हैं। अर्लियर जो हमारा खड़ंजा, जो पहले के ज़माने में खड़ंजा बनती थी, बेसिकली जैसे पानी में जाने के लिए एक दूसरे उधर से बना देते थे रोड को। रोमन रोड हमारा ये दिया हुआ है, कर्ब स्टोन यूज होता है, लाइम लाइम कॉन्क्रीट यूज होता है, ब्रोकन स्टोन लाइम लार्ज है, उसके बाद इसका होता है थिकनेस थिकनेस वेट, इसका सब नाप के जो है पूरा मटेरियल क्या करते थे, जैसे एक स्लैब के टाइप में। और ये थर्ड पॉइंट हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा बेसिकली आरसीसी हो गया, टू बी सुटेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन अ रोड। हम कितनी आसानी से एक रोड को बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते थे, एक लार्ज स्केल में, जैसे हाईवे हो गया, रोड हो गया, हाँ, नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे, तो क्या उसमें क्या रहता था, हिस्टोरिकल। और पहले के ज़माने में ये डामर की जो ऐसे ये रोड आती है पूरी, उसकी बहुत कम बनती थी, ज़्यादातर बेसिकली पत्थर की और या ईंट की, क्योंकि पहले की जो ईंट होती थी वो बहुत ही मजबूत होती थी। और आज भी अगर अगर गांव में किसी के बनी है तो वो देखता है कि उसमें जो है 0% कॉस्ट है, 0% मेंटेन है, मेंटेनेंस है, और 0% डैमेज है। बहुत रियर केस, अगर वो अच्छे से बनी होगी तो आज भी वो कायम। तो ये हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, जो हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।